नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप सभी का स्वागत है खबरें अभी तक पर भाग्य चक्र में। आज संकट चतुर्थी है और साथ ही संकट चतुर्थी का महत्व क्या है और संकट चतुर्थी यानी क्या, वाकई में आज के दिन संकट जो है वो संभाल लिए जाते हैं, इस सब के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आचार्य नमो नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका खबर। नारायण जी, सबसे पहले संकट चतुर्थी क्या है इसके बारे में दर्शकों को बताइए। जी, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। मित्रों, बात करेंगे, आज गणेश महाराज का दिन है और आज है संकट चतुर्थी। संकट चतुर्थी यानी आज का वो दिन जिस दिन आप थोड़ी सी भी पूजा कर लेंगे सच्चे मन से गणेश महाराज को, यदि याद भी कर लेंगे तब भी आपके पूरे संकट हर लिए जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपके प्रॉपर्टी के काम नहीं बन रहे, अगर आपके बच्चे की पढ़ाई ठीक नहीं चल रही, यदि आपका मन बड़ा बेचैन है, इन सब परेशानियों के लिए अलग अलग छोटे छोटे दो उपाय बताऊंगा, आप उनको कर लीजिएगा, बस आपका कल्याण हो जाएगा। कारण क्या है दोस्तों, आज संकट चतुर्थी है और आज गणेश महाराज का वो दिन है जिस दिन आपके सारे संकटों का नाश होता है। सौभाग्य चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। स्त्रियां व्रत करती हैं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, घर की सुख शांति के लिए, संतान के लिए भी आज के दिन बड़ा शुभ है यदि आप व्रत पूजा करते हैं तो। आज के दिन विशेष रूप से गणेश महाराज ने वरदान दिया था अपने बहुत सारे भक्तों को, जब एक पुराने समय की कहानी भी है इसमें, बड़ी थोड़ी कहानी लंबी है, पर दोस्तों बात क्या है कि आज यदि आप पूजा कर लेते हैं गणेश महाराज की, अगर आज आप जोत पाठ पूजा सामान्य से थोड़ा हट करके कर लेते हैं दोस्तों, तो बड़े सारे आपको फायदे होंगे। तो आप पूरा प्रोग्राम देखेंगे भाग्य चक्र, तो इसके अंदर हम आपको आज महा उपाय बताएंगे जिससे आपके जमीन जायदाद के काम, घर की सुख शांति के काम, वो सारे काम ठीक हो जाएंगे दोस्तों, ऐसा मेरा विश्वास है। नारायण जी, आपने कहा कि खास पूजा जो है, जो आप रूटीन में पूजा करते हैं उससे थोड़ा हटकर आप कुछ आज कर लीजिए, तो क्या कुछ करना चाहिए आज जी? आज अवंतिका जी, आज विशेष रूप से क्या है, सबसे पहले तो आज जिन दोस्तों का, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या करना चाहिए, आज तीन लड्डू लेने चाहिए, मोतीचूर के लड्डू, और मोतीचूर के तीन लड्डू लेकर के गणेश महाराज के मंदिर में जाके सच्चे मन से प्रार्थना करके एक घी का दीपक जलाना है। दीपक के अंदर दो बत्ती जलानी है, एक गणेश महाराज की तरफ होगी, एक आपकी तरफ होगी स्वयं, तो दो लंबी बत्ती जलानी है, एक गणेश जी की तरफ मुख रहेगा, एक आपके स्वयं की तरफ, और वहां पे तीन लड्डू चढ़ा देने हैं दोस्तों। जिनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई और आप कोई एजुकेशन में परेशान है, आज ये उपाय करेंगे तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल पड़ेगी। वहाँ हो सके तो गणेश चालीसा का पाठ पढ़ लेना दोस्तों, रिजल्ट देख लेना, बड़ा शानदार मिलेगा जी। नारायण, जिसके अलावा संकट चतुर्थी और गणेश जी का जो एक जुड़ा हुआ है ये, इसके साथ में आपने कहा कि संकट चतुर्थी है यानी गणेश जी का पूजन करना चाहिए, इसके पीछे क्या कुछ वजह है जी? इसके पीछे वजह है, माँ पार्वती ने गणेश महाराज को वरदान दिया था, गणेश महाराज ने अपने आगे शिष्यों को वरदान दिया था, अपनी आम पब्लिक जो थी, जो सेवा करती थी वहाँ पे भगवान शंकर के यहाँ पे, जितने भी नंदी भृंगी श्रृंगी जो भी सेवक थे, गण थे, तो वहाँ वरदान दिया गया था कि आज संकट चतुर्थी के दिन जो भी गणेश महाराज की पूजा पाठ करेगा, जो मेरे पुत्र, माता पार्वती ने कहा, जो मेरे पुत्र को पूजा करेगा सच्चे मन से करेगा, क्योंकि गणेश महाराज ने भगवान शंकर और माता पार्वती की चारों तरफ जब राउंड लगाए थे, जब तीन राउंड लगाए थे कि तीन राउंड के अंदर पूरी धरती नाप ली थी इन्होंने, धरती आकाश और आपका पाताल, कहने का भाव क्या था, गणेश महाराज की बुद्धि से प्रसन्न हुए थे भगवान शंकर और माता पार्वती, तो इस दिन उनका नाम से ये मनाई जाती है। और आज संकट चतुर्थी, जो भी संकट है, बड़े बड़े संकट आए जीवन के अंदर, उनको खत्म करने के लिए आज का ये दिन मनाया जाता है और आज संकट चतुर्थी का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। चलिए इसके बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुल्लू से हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना विक्रम। आचार्य जी प्रणाम। जी नमो नारायण जी मित्र, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ खबरें अभी तक कभी कि आप इतनी अच्छी सटीक जानकारी देते हैं और हमें ज्ञान बढ़ाते हैं। जी धन्यवाद नारायण जी आपका। आचार्य जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना था, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19/9/1994। जी, तो मैं सुबह के 2:20 और कुल्लू हिमाचल में उसका बर्थ हुआ है सर। जी, उसके बारे में पूछना सर, एक तो उसकी पूछना था आयु वगैरह के बारे में, क्योंकि मुझे कुछ पंडितों ने कहा था कि उसका विष योग बना है, और दूसरा पढ़ाई के बारे में, उसकी सरकारी जॉब लगेगी या प्राइवेट जॉब? जी देखो दोस्त, कृपया
चलिए कल्याण, आपका आपने प्रश्न किया और हमारे चैनल के लिए बड़े अच्छे जो आपने शब्द लिए उसके लिए धन्यवाद दोस्त। करक लगन की कुंडली है दोस्त, देखो करक लगन भगवान राम वाली बात है कि जीवन में संघर्ष रहता है, ये तो बात सच है, जीवन में संघर्ष रहता है, परेशानियां रहती है, कभी कभी हेल्थ की छोटी मोटी परेशानियां रहती है। लेकिन अब लगन का जो स्वामी ग्रह है जिसने बताया, थोड़ा बताया तो सही है लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा डरा दिया। कारण क्या, जो लगन का स्वामी चंद्रमा वो आठवें में चला गया, पेट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, आपके ये जो नोज की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, अस्थमेटिक प्रॉब्लम छोटी मोटी जीवन में आती जाती रहती है। लेकिन आठवें घर में शनि आ गया ना दोस्त, आठवां शनि आ गया, आयु लंबी होती है। भगवान विष्णु की इतनी कृपा, शंकर भगवान की इस कुंडली पे, आपको आयु वाला तो आप दिमाग से वहम निकाल दो, आयु लंबी है बच्चे की। कैरियर वाइज देखें, कैरियर कामयाब हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब लगने के भी चांसेस बनते हैं थोड़े एफर्ट्स करेंगे तो। बाकी कुल मिलाकर के कुंडली अच्छी है, कोई ज़्यादा वहम वाली बात नहीं, एक इसका उपाय होता है वो आपको जरूर बताऊंगा। बाकी कुल मिलाकर कुंडली बड़ी शानदार है। चलिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले दर्शक दिल्ली से हमारे साथ विनोद फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। नारायण जी बोलिए जी, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है कनेक्शन कट गया जी। चलिए आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। आपका जो भी सवाल है वो हम उसका समाधान जो है, उसका हल जो है, उसका जवाब देने की जरूर कोशिश कीजिएगी नारायण जी की ओर से। आप सभी दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स के पर ज्यादा से ज्यादा कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। इसी बीच बबीता हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर है, स्वागत है बबीता, सवाल कीजिए अपना। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नारायण जी बोलिए जी। मैंने अपने बच्चे के बारे में पूछना था जी। जी नाम बताओ जी उनका, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 30 जुलाई जी। 30 जुलाई 1904 में जी। सुबह 5:30 बजे का जन्म है जी। जी नाम जतीन जी। कोई बात नहीं जी, आगे बताओ, प्रश्न बताओ जी। जी उस जॉब के बारे में पूछना, सरकारी जॉब कब लगेगी जी, शादी के योग कब बढ़ेंगे जी। फिर करक लगन आ गया भाई, करक लगन की कुंडली लगन में सूर्य बैठे हुए, भगवान शंकर की पूजा करें, सूर्य को रोजाना जल देना शुरू कर दो, इसी से ही आपका फायदा होना शुरू हो जाएगा। बाकी छठे घर में बृहस्पति है, ऐसी कुंडली में कर्ज बार बार चढ़ते हैं, वैसे ध्यान रखना जीवन में कर्ज का। नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगने के पूरे चांसेज है, शनि भाग्य घर में बैठे हुए हैं, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी अब 2 साल का भी टाइम पेंडिंग है। कुल मिलाकर के कुंडली अच्छी है, उपाय के तौर पर क्या करना, समुद्र का पानी हमेशा घर में रखो, बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी आपको। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले दर्शक निमकी हमारे साथ फोन लाइन पर है रामपुर से, स्वागत है आपका निमकी, सवाल कीजिए अपना। जी नारायण जी प्रश्न कीजिए। बेटे का नाम है मनीष जी। जी आगे जी। हाँ उसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 1 दिसंबर 1996। टाइम बताओ। हाँ पहली रात 1 बजे 1 और 1.5 के बीच में उसका जन्म है जी। क्या प्रश्न है दोस्त आपका? हाँ मैं उसके बारे में ये जानना चाहता हूँ, वो पढ़ाई कर रहा है तो कैसा है उसका भविष्य, क्या है वो, कैसा है पढ़ाई में, उसके बारे में जानना चाहता हूँ जी। जी पढ़ाई बड़ी शानदार कुंडली है इनकी, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, नजर बहुत ज्यादा लगी हुई, एक तो इनकी नजर उतार देना दोस्त, बाकी कुंडली बहुत अच्छी है, किसी प्रकार की कोई वहम वाली बात नहीं है, स्टार बहुत शानदार है इनके। और दूसरा एक, आज गणेश जी महाराज का दिन है तो आज 3 लड्डू गणेश महाराज के मंदिर में चढ़वा दो, जोत जलवा देना, कल्याण हो जाएगा आपका। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ गुरदीप फोन लाइन पर हैं कांगड़ा से, स्वागत है आपका गुरदीप, सवाल कीजिए अपना। आचार्य जी राम राम। राम राम जी। नारायण जी प्रश्न कीजिए। जी कुलदीप बोलिए। हाँ जी आचार्य जी, मेरा मैं बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो जी पूछो, नाम बताओ। मेरे बेटे का नाम नीतन चौधरी है। नीतन चौधरी जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 25/3/1991 जी। टाइम बताएं। टाइम है जी 1:55 रात के और दिन है वीरवार। क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं बेटे की सर्विस के बारे में पूछना चाहता हूँ जी, और उसका मतलब भविष्य कैसा है। अभी क्या कर रहे हैं बेटा जी आपके? मेरे बेटा जी अभी वैसे कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं, और उन्होंने सिविल इंजीनियर डिप्लोमा की हुआ सिविल इंजीनियरिंग का।
एक से लेकर दस के बीच में कोई नंबर बताएं। हाँ जी, एक से लेकर दस के बीच में कोई भी नंबर बताएं। सात। सात नंबर जी। जॉब लग जाएगी इनकी, कोई ऐसी बात नहीं है, प्रयास जारी रखिएगा। एक लसनिया का पत्थर होता है कैट साई, वो पहना दीजिएगा, पीले वाला लसनिया, राइट हैंड की सबसे लंबी उंगली में। बुधवार के दिन और आज गणेश महाराज का विशेष दिन, आज क्या करने हैं उनको, चार लड्डू गणेश महाराज के मंदिर में चढ़वा दो, इसी से आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आठ बुधवार लगातार कर देना बस ये काम, कल्याण हो आपका। अच्छा, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले दर्शक राधा हमारे साथ फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका राधा, सवाल कीजिए अपना। मेरा बर्थडे है 10/10/1961 जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं बीमार रहती हूँ, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है, कोई आजकल डिस्क प्रॉब्लम है, मतलब तो कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है, ऑफिस में बैठती हूँ तो घबराहट हो जाती है जी। आपका पूरा नाम बताएं देवी जी। बस ये राधा ही है जी। ठीक है, कोई एक फूल का नाम बताओ, कोई भी, कोई एक फूल का नाम बताएं आप, कोई भी फूल का जी। जी राधा, अभी शादी के बाद राधा कश्मीरी। चलो, फूल का गुलाब। टीवी के वॉल्यूम कम कर लो, फोन कट जाएगा नहीं आपका। गुलाब बहुत अच्छा। देखो आपने क्या करना है, तांबे का कड़ा पहन लो, मंगलवार के दिन दूध गंगा जल में धोके धूप बत्ती करके, और दूसरा आपने क्या करना है, चावल बना करके अमावस्या के दिन गाय को खिलाया करें और थोड़ा गरीब को भी खिला दिया करें। आपके पितृ दोष आ रहा है और कोई दोष नहीं है, बाकी कल्याण हो जाएगा, ठीक हो जाओगे आप। नमो नारायण। बहुत शुक्रिया राधा जुड़ने के लिए। अगले दर्शक दिल्ली से हमारे साथ समीर फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका समीर, सवाल कीजिए अपना। नमो नारायण पंडित जी। नमो नारायण जी। जी मेरे पुत्र का नाम मनस्विन है जी, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 2012। समय बताएं। सुबह 8:52 जी। क्या जानना चाहेंगे, ये आगे पढ़ाई में कैसा रहेगा और ये क्या विदेश में सेटल हो पाएगा जी। कहाँ से बोल रहे हैं दोस्त आप? दिल्ली से। दिल्ली से जी। आपका पूरा नाम? मेरा नाम समीर। समीर जी, ऐसा है, इस बच्चे की कुंडली बड़ी शानदार है, दसवें घर का राहु है, 100% विदेश के योग है, और ये माता पिता को भी साथ लेके जाएगा, चाहे रिजेक्शन 10 बार लग जाए तब भी इस बच्चे के पर्सनली स्टार इतने स्ट्रॉन्ग है कि माता पिता परिवार को भी आगे लेके जाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा जीवन में। थोड़ा ऐसे इसके कष्ट जरूर है, 12वां सूर्य आँख पे चश्मा जल्दी लग जाएगा, आँख पे चश्मा लग जाएगा। उसके अलावा 7वें घर में मंगल है, 10वां राहु है, पिता के साथ थोड़ी अनबन रहेगी या थोड़ा पिता सुख में परेशानियाँ हो सकती हैं, बाकी बच्चा भाग्यशाली है, कोई वहम वाली बात नहीं। 6ठा चंद्रमा कर्ज योग बनाता है, जन्म से 4 साल तक 5 साल तक कर्ज के हालात बन सकते हैं बच्चे के, उसके बाद समय बड़ा अच्छा आ रहा है। उपाय के तौर पे आज गणेश संकट चतुर्थी है, आज आपने क्या करना है, 11 लड्डू गणेश महाराज को भोग लगवा दो और हरी घास मंदिर में गणेश महाराज के आगे चढ़ा देना, कल्याण हो जाएगा दोस्त आपका। नमो नारायण। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ करनाल से करुणा फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका करुणा, सवाल कीजिए अपना। जी बेटे के लिए पूछना है, मतलब उसकी जॉब नहीं लग पा रही गवर्नमेंट जॉब के लिए, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16/11/1987, रवि नाम है। टाइम बताएं जी। समय 4 बजे शाम के, सोमवार का दिन। 4 बजे जी। हाँ जी, प्रश्न क्या है देवी जी आपका, जॉब का? हाँ, जॉब के बारे में पूछना है जी। मेष लग्न की कुंडली पूर्ण काल सर्प योग है, जॉब तो मिलेगी लेकिन बहुत बहुत, मतलब यूं समझ लो तसल्ली करवा देगी, और जो भी काम ये बच्चा करता है ना, इसका कोई भी काम ऐसा नहीं है जो सीधा बन जाए, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, मतलब यूं समझ लो भी जिस काम में आ डालिया उसमें एक बार तो काम ना होनी ही होनी है पक्की, होता है कि नहीं होता ऐसा, क्योंकि 12 घर में रहु है ना, और 12 में बृहस्पति बैठे हुए हैं, पूर्ण काल सर्प योग, मोर के पंख सिराने की तरफ रख देना, इतना कल्याण कर दो और बाकी ईश्वर की कृपा हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं, कोई भी जॉब नहीं मिल जाएगी इसको। पहले अपने टीवी के वॉल्यूम कम करो, बाद में कॉल करियो अब आप। अच्छा, बहुत शुक्रिया करुणा जुड़ने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ कोसली से फोन लाइन पर हैं, और स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। कविता, कविता आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, सवाल कीजिए अपना। मैडम जॉब के बारे में पूछनी थी लड़की के। नाम बताओ जी उनका। जतिन सोनी। जतिन सोनी जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 30 जुलाई 1996। 3 जुलाई 1996। टाइम बताएं देवी जी। 5:30। 5:30 बजे सुबह शाम का? सुबह या शाम का? सुबह सुबह 30 जुलाई 1996 सुबह 5:30 बजे। ठीक है, वॉल्यूम कम रखो टीवी की, थोड़ा साइड में आके बात करो या फिर जी।
जो 12वें घर में शुक्र मंगल प्रेम विवाह का योग, 10वां शनि केतु 100% गवर्नमेंट जॉब, 8वां चंद्रमा स्वास्थ्य की परेशानियां, बृहस्पति केंद्र स्थान पे मैरिड लाइफ डिस्टर्ब और बुध सूर्य लगन में, वैसे जीवन में कुल मिलाकर के सुख सारे मिल जाएंगे। उपाय: हरा पन्ना राइट हैंड चीची उंगली में बुधवार के दिन सोने में बना करके पहन लो। और आज बुधवार है, गणेश महाराज को 4 लड्डू का भोग और 1 हरी घास गणेश महाराज के आगे सच्चे मन से चढ़ा देना, कल्याण हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ रेखा है मंडी से, फोन लाइन पर स्वागत है आपका। रेखा, सवाल कीजिए अपना। रेखा, सुन पा रही हैं आप? सवाल कीजिए अपना। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती थी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31/12/96। 31/12/96। हाँ जी, ते अपना टाइम हैगा वो 2:40 शाम का। 2:40 शाम दे। जन्म कितने होया जी इन्हां दा? जन्म काला वाली मंडी जी, हरियाणा में जी। बहुत बढ़िया जगह है जी, बहुत बढ़िया जी। ब्रिक लगन दी कुंडली है जी। की पूछना चाहोगे जी तुसी, दसो। चलो, मंगल राहु पंचम भाव में कुंडली बड़ी शानदार है, कालसर्प योग से पीड़ित है, चंद्रमा की वजह से थोड़ी परेशानियां होती हैं, हाइपरनेस ज़्यादा रहेगी जीवन में, कॉन्फिडेंस की कभी कभी तो इतनी ज़्यादा कमी हो जाएगी, कभी कभी इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि सोच भी नहीं सकते। 31 अंक 4 का है, राहु महाराज की कुंडली है और महादशा इनकी चल रही है मंगल की। एक छोटा सा उपाय बताऊंगा देवी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। आपने क्या करना है कि नीलम 4 रत्ती का बच्चों को डलवा दो, जीवन में सारे सुख मिलने शुरू हो जाएंगे, ईश्वर की कृपा होगी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले दर्शक कमल है हमारे साथ रोहतक से, फोन लाइन पर स्वागत है आपका। कमल, सवाल कीजिए अपना। नमो नारायण गुरु। नमो नारायण जी मित्र, नाम प्रश्न बताए आपका। गुरु जी, मैं अपनी माता के स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहता हूँ, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता जी। उनका नाम बताए माता जी का। उनका नाम नानी देवी है। कितनी उम्र होगी जी उनकी? उनकी 55 की उम्र। 55 होगी जी। 1 से लेके 100 के बीच में दोस्त को नंबर बता दो। 26 नंबर, 8 अंक। क्या बात है नारायण जी, मजा आ गया। देखो, शनि 8 के आ गए हैं, थोड़ा कष्ट तो जरूर चल रहा है लेकिन ठीक होने की पूरी पूरी उम्मीद है। सिर्फ आपने शनि मंदिर में जाकर के स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भरना है। लोहे वाली मत लेना, स्टील की ले लेना, काम आ जाएगी अगले के भी, क्योंकि आजकल स्टील असली तो स्टील आता नहीं, लोया तो आता ही आता है, क्योंकि चुंबक चिपकाओगे चिपक जाती है स्टील पे। उसमें सरसों का तेल भरना बढ़िया कटोरी में, 200-300 ग्राम की कटोरी ले लो कोई, और उसको क्या करना, माता का हाथ लगवा देना, हो सके तो माता को बोलना चेहरा देख लेंगे, नहीं तो उनका हाथ लगवा कर शनि मंदिर में दान कर दो दोस्त। ये आज ही कर देना तब भी कल्याण हो जाएगा जी आपका। कटोरी भी दान कर देना, कटोरी समेत ही दान कर देनी, और हो सके तो 4 शनिवार और कर देना, बस एकदम माता ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले दर्शक कुरुक्षेत्र से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं रीमा, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। नारायण, नारायण गुरु जी। नारायण जी, नारायण जी, नारायण जी, प्रश्न बताएं। हाँ जी, ये डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1987। टाइम बताएं जी। सुबह के 9 बजे, 8:45 और जन्म स्थान उसका करनाल है जी। किन का है ये गुरु जी? ये बेटी का है। बेटी का? क्या नाम है बिटिया का? रेनू। रेनू जी, एक तो इसकी बेबी है ना 10 महीने की, वो दूध नहीं पीती, एक तो उसको उपाय बताएं और बाकी इसका बताएं। देखो, इस बच्ची की मैरिड लाइफ तो ऐसा 12वें घर में शुक्र है, एलिगेशन लग सकते हैं बेवजह के, कोच गिलास तोड़ा किसी ने नाम इसका लगेगा, काम खराब किसी ने किया नाम इसका। 12 घर में शुक्र, मान सम्मान का ध्यान रखे, सूर्य भगवान की पूजा करें, सूर्य को जल दें। काल सर्प योग से पूर्ण रूप से पीड़ित है, कुंडली मोर के पंख सिराने की तरफ रखें, शंकर भगवान पे जाकर के दूध चढ़ाया करें हर सोमवार के दिन, और कुल मिलाकर के जीवन ठीक है, बस थोड़ा सा मैरिड लाइफ वैवाहिक जीवन में थोड़ा ध्यान रखें जी, प्रेम से चले, कल्याण हो जाएगा। चलिए अगले दर्शक खुशप्रीत हमारे साथ फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका खुशप्रीत, सवाल कीजिए अपना। हाँ जी, मैं लड़के के बारे में पूछना थी खुशप्रीत, करियर के बारे में जी, पढ़ाई कर रहा हो जी। नाम बताए उनका, डेट ऑफ बर्थ बताए। उनकी हैगी है जी 16 जून जी 1995। टाइम दसो जी। सवेरे 6:45 6:45 सवेरे। जन्म स्थान जी? राजपुरा पंजाब जी। दसो की पूछना है जी? एदे करियर के बारे में पूछना भी, यह पढ़ाई ठीक करेगा या क्या बनेगा आगे जाके? पढ़ाई क्या करेगा की बनेगा, बहुत बढ़िया जी। मिथुन लगन की कुंडली, लगन में सूर्य है। देखो,
इस बच्चे के वैसे तो चांस है ज्यादातर विदेश में सेट होने के, आज हो जाए पांच साल बाद हो जाए, ज्यादातर चांसेस तो बाहर के हैं। नौकरी के चांसेस बहुत कम है वैसे, दसवें घर का शनि वैसे नौकरी लग जाती है, लेकिन दसवें शनि वालों को हो सकता है ये लोग छोड़ देते हैं नौकरी बीच के अंदर, ज्यादातर हमने देखा है। और दूसरी बात कि बारहवें घर में शुक्र है, औरत का कलंक लग सकता है, बड़ा ध्यान से रखना कोई फीमेल के लड़कियों के मामले में, थोड़ा लेडीज के मामले में बच के रहे, बेवजह की परेशानी गले में डल जाएगी नहीं कोई कोई। उपाय क्या करना, हनुमान जी की पूजा किया करें, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज का हनुमान चालीसा पढ़ो, लाल रुमाल हमेशा जेब में रखो, कल्याण हो जाएगा जी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आज संकट चतुर्थी है और इसी को लेकर नारायण जी आपको कुछ उपाय भी बताने वाले हैं। जी जी दोस्तों, आज संकट चतुर्थी है, संकट चतुर्थी के ऊपर आज आप विशेष रूप से क्या उपाय करेंगे, वैसे तो आप रूटीन में भी कर सकते हैं पर आज करेंगे तो बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। आज गणेश महाराज का दिन है और गणेश महाराज के आज दिन जिन दोस्तों का प्रॉपर्टी में काम नहीं बन रहा, मकान बिकने का नाम नहीं ले रहा, जमीन बिकने का सेल होने का नाम नहीं ले रही, उन लोगों को आज 9 लड्डू और एक लाल रंग का कपड़ा जो कि कम से कम 1.25 मीटर होना चाहिए, 1.25 मीटर के कपड़े पर 9 लड्डू रख करके गणेश महाराज को सच्चे मन से अपनी मनोकामना बोल के आज आप चढ़ा दो। आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी आपकी परेशानी, घर नहीं बन रहा, बिक नहीं रहा, खरीद नहीं पा रहे, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्रॉब्लम, वो आपकी ठीक हो जाएंगी। दूसरा दोस्तों, आपके घर में सुख शांति के लिए, मन की शांति के लिए, घर में प्रेम प्यार को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, बृहस्पति तो 5 लड्डू मोतीचूर के पीले रंग के 1.25 मीटर के कपड़े में सभी घर के सदस्यों का हाथ लगवा लेना और गणेश महाराज के मंदिर में सच्चे मन से चढ़ा आना। और दूसरा, वहां पे एक घी का दीपक भी जरूर जला के आना, कोई भी जाएंगे आज मंदिर तो गणेश महाराज को 2 बत्ती वाला तो कम से कम आपने दीपक जरूर जलाना, एक गणेश जी की तरफ एक आपकी तरफ। तीसरा दोस्तों, एजुकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, पहले भी बताया था कि उन बच्चों को जिनको एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है आज वो 3 लड्डू गणेश महाराज को चढ़ाया है। उसके बाद में अगर कोई बीमार रह रहा है कोई बहुत ज्यादा, तो उन्होंने क्या करना है, 8 नारियल लेने हैं और गणेश महाराज के मंदिर में जाकर के वहां एकदम तोड़ करके वहां भगवान गणेश महाराज के आगे चढ़ाने हैं और वो जो जल होएगा वो आपने घर में ला करके पी लेना है और बांट देना है नारियल का प्रसाद, ये उपाय कीजिए। दूसरा दोस्तों, अगर आपकी मैरिड लाइफ जो लव लाइफ है वो बढ़िया नहीं चल रही, या आप किसी से प्रेम करते हैं सफलता नहीं मिल रही आपकी, तो दोस्तों उनके लिए क्या उपाय करेंगे, आज आपने क्या करना है, 6 पेड़े लेने हैं, पेड़े के पीस लेने, 6 पेड़े ले लो या 6 बर्फी ले लो मावे की जो बिल्कुल बढ़िया दूध की बनी हो, वो आपने क्या करना है, 1.25 मीटर कपड़े में गणेश महाराज के सामने सच्चे मन से चढ़ा के आनी है और वहां अपनी मनोकामना बोल के आनी है, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ दोस्तों ठीक हो जाएगी। तो आज जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आज अगर और कुछ नहीं आपको समझ आ रहा, किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो एक नारियल तो गणेश महाराज के मंदिर में आप जरूर चढ़ाना और देसी घी जो जगाना, आपका जो जीवन में संकट चल रहा है दोस्तों वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी नारायण जी। जी, इसके अलावा जिन लोगों का आज जन्मदिन है नारायण जी, उनके लिए आपका क्या जी बताएं? जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह है, आज क्या करेंगे आप, 11 गरीब लोगों को खाना खिला दीजिए और 11 को ना खिलाने का समर्थ हो तो एक इंसान को खिला दीजिए, या आप 11 लोगों को एक एक लड्डू बांट दीजिए, तब भी आज आपका कल्याण हो जाएगा। जी चलिए, तो ये आप सभी उपाय करें और अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपका अवश्य ही कल्याण होगा। और फिलहाल आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमो नारायण जी।